गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स टुडे वी विल डू द बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर वन आवर कंट्री इंडिया गिवन ऑन पेज नंबर सेवन सो योर फर्स्ट एक्सरसाइज गिवेन हेयर इज़ कम्प्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट आपको यहाँ पे ये वेब चार्ट दिया हुआ है उसे आपको फिल करना है सो आपको यहाँ पे इंडिया के फिजिकल फीचर्स लिखने हैं इंडिया में कौन कौन से सीजन्स होते हैं वो लिखने हैं और पॉलिटिकल रिविज़न लिखना है सो फर्स्ट यू विल राइट फ़िज़िकल फीचर्स फ़िज़िकल फीचर्स में इंडिया के कौन कौन से फ़िज़िकल फीचर्स हैं सो यू विल राइट माउंटेन्स वैलीज रिवर्स वाटरफॉल्स और भी फ़िज़िकल फीचर्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं बट यू कैन राइट एनी फोर हेयर ठीक है तो माउंटेंस वैलीज रिवर्स वाटरफॉल्स फॉल्स इंडिया में कौन कौन से सीजन्स होते हैं तीन मेन टाइप के सीजन्स होते हैं इंडिया में वन इज़ विंटर सेकेंड इज़ समर सीज़न थर्ड इज़ मानसून सीजन नेक्स्ट यू विल राइड पोलिटिकल डिविजन्स सो पोलिटिकल डिविजन्स जो है हमारे इंडिया के वो क्या है इंडिया इज डिडेड इन टू ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरेटरीज सो यू विट ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरेटरीज नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ठीक है सो क्या है यहाँ पे क्या होगा क्या है रेगुलर पैटर्न ऑफ अ वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस सो यू विल राइट क्लाइमेट ठीक है क्लाइमेट जो है वो किसी भी जगह का रेगुलर पैटर्न होता है वेदर कंडीशन का जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट ओके सो यू विल राइट क्लाइमेट हेर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया इज डैश एंड द सदर्न मोस्ट टिप इज़ डैश जैसे कि मैंने आपको चैप्टर आप एक्सप्लेन करते टाइम पे बताया था कि जो सदर्न मोस्ट बाउंड्री है हमारे इंडिया की वो है कन्याकुमारी ठीक है और जो सदर्न मोस्ट टिप है वो है पिगमेलियन पॉइंट या फिर हम इंदिरा पॉइंट भी उसे कहते हैं तो इंदिरा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं सो so यू विल राइट कन्याकुमारी एंड पिगमेलियन पॉइंट है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ़ द डैश एंड टू द ईस्ट ऑफ़ द डैश इंडिया जो है वो किसके नॉर्थ में स्थित है और किसके ईस्ट में स्थित है तो मैंने आपको जब लोकेशन के बारे में बताया था इंडिया के तो मैंने बताया था कि इंडिया जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है और प्राइम मरेडियन के ईस्ट में ठीक है सो इंडिया इज़ लोकेट टू द नॉर्थ ऑफ़ द इक्वेटर यहाँ पर आप इक्वेटर लिखेंगे एंड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मरेडियन और यहाँ पर आप लिखेंगे प्राइम मरेडियन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जम्मू एंड कश्मीर डैश एंड डैश रिसीव स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू देयर हाई ऑल्टीट्यूड तो जम्मू एंड कश्मीर और कौन कौन से स्टेट्स uh, हैं नॉर्थ के जो कि स्नोफॉल रिसीव करते हैं विंटर सीज़न के टाइम पे अपने हाई ऑल्टीट्यूड्स की वजह से सो यू विल राइट उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो हैं वहाँ पे स्नोफॉल होता है विंटर uh, के सीज़न में ड्यू टू देयर हाई ऑल्टीट्यूड नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज़ अ ल लोकल विंड फ्राम राजस्थान दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली इन समर कौन सी लोकल विंड है जो कि राजस्थान के रेगिस्तान से चलती है और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है समर के मंथ में सो यू विल राइट लू है ना लू जो है वो लोकल विंड है नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स लिखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज सराउंडेड बाई सीज एंड ओशंस ऑन ऑल साइड इंडिया जो है वो अपने सारे साइड से सीज और ओशन से घिरा हुआ है इज़ इट ट्रू और फॉल्स सो दिस इज़ फॉल्स नो नेक्स्ट इज द हिमालयाज आर द माउंटेन रेंजेस दैट बॉर्डर इंडिया इन द नॉर्थ हिमालय जो हैं वो माउंटेन रेंज हैं जो कि इंडिया को नॉर्थ में बॉर्डर करते हैं सो दिस इज़ ट्रू ओके सो यू विल राइट ट्रू नेक्स्ट इंडिया इज अ स्मॉल कंट्री बट सपोर्ट्स अ लार्ज पॉपुलेशन हमारी इंडिया जो है वो एक छोटा देश है लेकिन यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या है सो दिस इज ट्रू यू राइट ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर फेसेस अ वेरी हॉट क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर जम्मू एंड कश्मीर में पूरे साल आ, बहुत ही गर्म मौसम होता है नो दिस इज़ फॉल्स नेक्स्ट द कोस्टल प्लेन्स आर हॉट एंड ह्यूमिड ड्यूरिंग समर कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो हॉट और ह्यूमिड होते हैं समर के टाइम पे येस दिस इज़ ट्रू सो यू विल राइट ट्रू सो स्टूडेंट्स कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर एस एस टी बुक ऑन पेज नंबर सेवन एंड एट थैंक यू